हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इट्स 6 टाइम्स द अदर। बोल रहा है ये पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, उसका जो एक जीरो है उसका 6 गुना दूसरा जीरो, यानी कि एक एक को मान लें x तो दूसरा 6x, तो p का वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए बनाते हैं, लेट वन जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी ए मानते हैं, तो अदर जीरोस बराबर 6a हो जाएगा। मतलब वन जीरो है 6 गुना दूसरा जीरो का, तो वन हम एक मान a माने तो दूसरा 6a हो जाएगा। अब हमको p का वैल्यू निकालना है, तो सम ऑफ जीरो पहले करेंगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है माइनस बी बाय ए। तो जीरोज क्या है मेरा ए और 6a, इसका हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो 7a बराबर क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 14, माइनस एक फॉर्मूला का और यहाँ एक माइनस 14 के साथ लगाओ, बाय ए मेरा कोफिशियंट क्या है पी, तो हो जाएगा मेरा 7a बराबर 14 बाय पी, और 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर 2p, a बराबर 2p हम निकाल लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाय ए, ठीक, यानी कि एक जीरो वन ए है और दूसरा जीरो 6a इक्वल टू सी मेरा क्या है, सी मेरा 8 है और ए तो मेरा पी है, तो यहाँ हो जाएगा 8 बाय पी, ये हो गया 6a स्क्वायर बराबर 8 बाय पी, और इस a के जगह ये 2 बाय पी पुट कर देंगे, 6 2 बाय पी का स्क्वायर बराबर 8 बाय पी, 6 इंटू 4 बाय पी स्क्वायर बराबर 8 बाय पी, और 6 इंटू 4 24 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय पी, ये 1p कट जाएगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ स्क्वायर था 2p था, तो अब हो जाएगा 24 बराबर 8p क्रॉस मल्टीप्लाई 24 बराबर 8p, और 8 से यह 3 बार में कट जाएगा, तो हो गया मेरा p बराबर 3। यही हमसे पूछ रहा था पी का वैल्यू, तो ये आ गया पी का वैल्यू 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।